द चैनल, आई होप आप सब अच्छे होंगे। नाथ द्वारा मंदिर के दर्शन हो गए हैं और हम कर रहे हैं सुबह का नाश्ता। अभी बज रहे हैं 7, हम आए थे यहाँ पे 5 बजे, तब भी ये दुकान खुली, और तब भी दुकानें खुली थी और भीड़ अच्छी खासी थी, चाय पी के गए थे। और अभी देखो भीड़ का हाल, मैं आपको दिखाता हूँ इस तरफ से। देखो नागदा के इस खूबसूरत मंदिर में आ गए हैं, जो सास बहू मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और मंदिर तो काफ़ी पुराना है, करीब 900 साल पुराना है। और यहाँ पे ना ये मंदिर आजकल बड़ा फेमस है अपने प्री वेडिंग शूट में। अब तो ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, रूइंस हैं, लेकिन यार बड़ा रस्टिक सा मंदिर है और बहुत ही सुंदर इसमें ना मूर्तियाँ हैं और काफ़ी आर्किटेक्चरली बहुत ही अच्छा जगह है। अगर आपके पास टाइम है एक्स्ट्रा उदयपुर में तो इस जगह को ज़रूर विज़िट करें। करीब 30 किलोमीटर पड़ती है हार्डली, विच इज़ लाइक 35-40 मिनट्स ड्राइव। टेम्पल विजिट किया नाथ द्वारा का सुबह जल्दी, और अच्छी खासी भीड़ थी वहाँ पे। बहुत क्योटिक था यार, बहुत क्योटिक, थोड़ा सा क्योटिक था लेकिन ठीक है, थोड़ा इट कुड बी मैनेज्ड वेल, लेकिन ठीक है। लोग बहुत रूड हैं, आने से पहले दो बार सोचें, और अगर सुबह के दर्शन कर रहे हैं आप लोग तो बहुत ध्यान से चलें, और खासकर एक मीटिंग पॉइंट पहले डिसाइड कर लें, ये मेरा एक रिकमेंडेशन रहेगा, क्योंकि हम लोग भी अलग अलग हो गए थे ना, लेकिन फिर भी ठीक है। हाँ, मीटिंग पॉइंट, मीटिंग पॉइंट मतलब अगर अंदर दर्शन के लिए जा रहे हैं उसके बाद मीटिंग थोड़ा जल्दी देखना पड़ता है, क्योंकि मंदिर फिर बंद हो जाता है 7:15। और मेरे ख्याल से नाग द्वारा करने के बाद एक लैंजी कर सकते हैं, मंदिर करना है तो आपको नाग द्वारा 6:30 बजे तक छोड़ना पड़ेगा, करके एक लैंजी आई है एंड देन यू विजिट नागदा, जहाँ पे अभी हम हैं। अभी बज रहे हैं 8, अब यहाँ से ये चीज़ देख ली है हमने, मंदिर देख लिया, और अब जा रहे हैं वापस उदयपुर। सो वी आर बैक, हम आ गए अपने होटल और ब्रेकफास्ट इज़ रेडी। थोड़े से सेवैयाँ ले लिए, मेलन ले लिया है, बॉइल्ड वेजिटेबल्स और चना, एंड आमलेट ऑर्डर कर दिया, वो आ रहा है। दिस इज़ द व्यू यू गेट इन द मॉर्निंग। ये देखो यहाँ पे विनीत बैठा है, दीक्षा क्या लाइए, दीक्षा लाइए छोले, ये क्या कुलचा परांठा, कुलचा और ये छत पे यहाँ पे ब्रेकफास्ट होता है। लुक तो अच्छा है राइट, प्लस यू गेट द लेक सामने, दिस इज द लेक व्यू। सो हाउ वाज द ब्रेकफास्ट, खाया था? ब्रेकफास्ट ओके था यार, मतलब हमने सारी कुलचे खा रहे हैं उदयपुर आके, दैट्स अ सैड पार्ट। नहीं ठीक था, यूरोपियन ब्रेकफास्ट है, यूरोपियन कौन सा यूरोपियन, वाटरमेलन थे, फ्रूट्स खा लिए, अंडा खा लिया, और वाटरमेलन था, पपीता था, पपीता मैंने नहीं खाया, मैंने तो देखो यार यहाँ पे छोले और कुलचे भी खाए हैं, तो तुम्हें बताते, लेकिन यार राजस्थानी ब्रेकफास्ट क्या होता है? राजस्थानी इस कचौड़ी, हमने वहाँ पे वो मंदिर में क्या खाया था, पोहा खाया और खमन खाया, खमन राजस्थान में ढोकले को, ढोकला खमन इन राजस्थान। यू गाइस बीइंग अ स्मार्ट एस, हैं स्मार्ट एस, या ए वो, व्हाट अ लवली डे, अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स मत बोलिए, अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स। अब हम जा रहे हैं सज्जनगढ़ फोर्ट, जिसका विजिट करेंगे, मैं भी इनफैक्ट शायद 10 साल बाद या 12 साल बाद जा रहा हूँ वापस, बहुत पहले कभी देखा था बट काफ़ी समय से गया नहीं हूँ। ये मॉनसून पैलेस के रूप में जाना जाता है, और ऐसा बताया जाता है कि ये किंग ने, महाराणा ने अपनी रानियों के लिए बनाया था, ताकि वो वहाँ से मॉनसून बारिश को एंजॉय कर सके। दीक्षा बैठी हुई है यहाँ पे, नहीं है, हमने जूते शूते ले लिए, राजा ऐसे काम करते थे, आप भी कर सकते हो, एक ऐसा पैलेस हम भी जाके मॉनसून एंजॉय करें, एक पैलेस हमें बनाना पड़ेगा, चलो पैलेस नहीं, हम घर ही बना सकते, झोपड़ी बना सकता हूँ, झोपड़ी बना सकते हैं। इवू इवू, वुड यू लाइक टू लिव इन झोपड़ी? नो, यू डोंट लाइक झोपड़ी? इवू को पसंद नहीं आई झोपड़ी। ओके, रोलर कोस्टर राइड, ये वाली कैब ली थी, इस कैब से आए थे, तो शेयरिंग कैब है, 90 रुपए की टिकट है,
पर सीट, और इस तरह से आते हो। रास्ता काफ़ी घुमावदार था, इनफैक्ट व्यू भी अच्छा मिल रहा है और चढ़ाई अच्छी खासी, करीब 4 किलोमीटर की चढ़ाई है। वो करने के बाद हम आए हैं यहाँ पे ड्रॉप ऑफ लोकेशन पे, अब यहाँ से जाएंगे फोर्ट पे। हम आ गए हैं टॉप पे फोर्ट की और यहाँ से फतेह सागर का व्यू देखने को मिलता है। अभी जा रहे हैं अंदर, जो पैलेस है वो बिल्ड किया सज्जन सिंह ने 1884 में, दिस इज़ व्हाट गूगल सेज, गूगल बाबा ये बता रहे हैं। और गर्मी अच्छी खासी हो रही है, लगभग 30-31 डिग्री है। मैं गुलमर्ग से परसों ही आया और गर्मी कुछ ज़्यादा ही लग रही है यार, ऊपर से बैग भी है। तो अब यहाँ से अंदर विज़िट करने जा रहे हैं। पैलेस बनाया था महाराणा ने अपनी क्वींस के लिए और रॉयल फैमिली के लिए, ताकि गर्मी के भी समय में वो, और मानसून के समय में वो बादलों को और कुछ ठंडक महसूस करने के लिए यहाँ पे आते थे। इनफैक्ट ये पैलेस हंटिंग लॉज के रूप में भी यूज़ करा गया है। तो अब चलते हैं अंदर की तरफ, अंदर से दिखाता हूँ आपको कैसा लगता है ये पैलेस। उदयपुर शहर का अगर व्यू लेना चाहते हो तो दिस प्लेस इज मस्ट अ विजिट। बाकी उतना बड़ा नहीं है फोर्ट जैसे नॉर्मली होते हैं, सिटी पैलेस इज इवन बिगर देन दिस। और डोंट एक्सपेक्ट कि काफ़ी बड़ा कॉम्प्लेक्स है, छोटा सा कॉम्प्लेक्स है जिसको सज्जन सिंह ने बनवाया था और फिर फतेह सिंह ने उसको कंप्लीट कराया। एंड यहाँ पे जो देखने को मेन है वो व्यू है, शहर का व्यू दिखता है, लेक्स दिखती हैं आपको आसपास और बायोडाइवर्सिटी दिखती है कि कितना बड़ा ये एरिया था अंडर महाराणा। अब चलते हैं नीचे, वी हैव बोट राइड जो हम करेंगे एट फतेह सागर लेक। जो देखो विनीत का सर लग रहा है यहाँ पे, इनका भी लग रहा है, वही मेरी कर दूंगे और मेरा भी लग रहा है भाई। ये देखो फंसे पड़े हैं, ईको में बैठ के आ गए हैं और भाई ऐसे चला रहा है, ऐसे लग रहा है कि फॉर्मूला वन ड्राइवर, वो तो है टोक्यो ड्रिफ्ट। मतलब श्योर है तू फ्लाइट पकड़ लेगा? दीक्षा अच्छा हुआ ऊपर हमने कोक पिया खाली, अगर एक दो कचौड़ी खा ली होती या कुछ पास्ता या सैंडविच खाया होता तो बड़ा था। तो भाई ये पक्का इसकी गाड़ी नहीं है, उनके पास इसकी गाड़ी नहीं है, तभी है तेरी। और कुछ लाइट वाइट ही खा के जाना, क्योंकि ड्राइवर्स है ना जो बड़ी काफ़ी रश ड्राइविंग कर रहे हैं अंदर, तो कोशिश करो कुछ खा पी के हल्का ही जाना, नहीं तो अल्टी अदरवाइज वॉमिटिंग के पूरे चांसेस हैं। अब आ गए हैं सहेलियों की बाड़ी, हम विज़िट करेंगे, हम दोनों ही विज़िट करेंगे क्योंकि ये दोनों थक गए थे तो ये गए हैं होटल में। ये क्यों बनाया था सहेलियों की बाड़ी, क्या मतलब है इसका? सहेलियों की बाड़ी मतलब वो जगह जहाँ पे रानियाँ अपनी फ्रेंड्स के साथ, क्वीन अपनी फ्रेंड्स के साथ इंजॉयमेंट करने के लिए आती थी। अच्छा मतलब हाँ, क्योंकि उन्हें बाहर ज़्यादा नहीं जा सकती थी ना, उनके लिए रिस्ट्रिक्शंस थे। अच्छा। तो ये देखो यार यहाँ पे कुछ ऐसा ही सुंदर बनाया है, यहाँ पे कुछ ऐसा ही सिस्टम है, ये देख रहे हो, मतलब फुहारे इस तरह से बनाए गए हैं ताकि वो मॉनसून की और बारिश की फील दे सके। शाम के बज रहे हैं 5:15 और यहाँ पे कर रहे हैं कुछ वॉक अराउंड फतेह सागर, ठंडी ठंडी ब्रीज मिल रही है पानी की फतेह सागर लेक की। और विनीत का वेट हो रहा है, विनीत गया होटल में, वो थक गया था, ईवू को नींद आ रही थी और वो थक गया था तो उसको कुछ रेस्ट करना था, नेहा को भी, तो दे सेड हम वहाँ चले जाएँ और ये लोग वहाँ चले गए हैं होटल और हम यहाँ पे आ गए हैं फतेह सागर। मैंने एक फ्रेंड के साथ कैचअप किया, मेरा कॉमन फ्रेंड है यहाँ पे, और अब जा रहे हैं, प्लान है बोट राइड यहाँ पे करने का, उसको कॉल कर दिया, होपफुली वो टाइम से आ जाएगा और यहाँ पे हम बोट राइड करेंगे।
खाना हमने आज कम से कम 3-4 बार खा लिया है, तो उसको जंप करने के लिए कभी खाया हमें पता था फिर खाएंगे इसके अंदर थोड़ा लिमिटेड। हाँ खाना हमने लिमिटेड ही खाया है यार, नहीं तो हम भी गिर रहे होते। हाँ नहीं तो हमें भी नींद आती। चलो लेट्स गो, लेट्स एंजॉय। जैसे जैसे शाम हो रही है क्राउड बढ़ता जा रहा है यहाँ पे। इनफैक्ट आज संडे है तो भीड़ भी थोड़ी ज़्यादा है, जनरली इतनी होती नहीं है। सुबह यहाँ पे काफ़ी पब्लिक आती है वॉक करने, जॉगिंग करने, और साइकिलिस्ट भी काफ़ी घूम रहे हैं इस समय। तो इवनिंग के लिए एक अच्छी जगह है अगर आपको इवनिंग अपनी स्पेंड करनी है। तो लाइन देख लो यहाँ पे कितनी लंबी है, अभी इसी लाइन में जाने वाले हैं और बोटिंग करेंगे। और विनीत इज हियर, कितना 5 मिनट लगे, दोनों साथ में ली थी टिकट ले ली। हाँ कितनी देर बाद नंबर आएगा, ये रही लाइन, बस इट्स अ शॉर्ट लाइन, यहीं पे तो थे यार। विनीत ऐसा क्या बुक करा कि तूने एकदम नंबर आ गया हमारा? पता नहीं यार, बंदा देख के उसने, मैंने उसको दिखाया कि हट जाओ पीछे, तो हट गया, बस ऐसा हट गया। तो हम 15 मिनट करने वाले हैं, स्पीड बोट इसलिए नहीं करी क्योंकि ही वो इज़ ऑल्सो ट्रैवलिंग और ज़्यादा उसके लिए हैकल हो जाता, तो इस वजह से वो नहीं करी। वांटेड टू से टू, आर यू एक्साइटेड? पता नहीं, मेरे को वोटिंग अच्छी नहीं लगती। अच्छा चलो अभी ट्राई करते हैं एक्सपीरियंस और बताते हैं कैसा लगता है। वो भी है ऐसे ही लगता है, पानी से भी डर लगता है, ऊंचाई से भी डर लगता है, सारी चीज़ से। फिर भी मैं सबसे ज़्यादा पहाड़ों पर जाती हूँ और वोटिंग भी करती हूँ। अच्छा चलो लेट्स एक्सपीरियंस दिस। बोटिंग कर ली है, इट वॉज वेरी नाइस एक्सपीरियंस, मज़ा आया करके। अब जा रहे हैं बोटिंग कर ली है, अब जा रहे हैं अमराई, वहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे। हम आ गए हैं अभी अमराई घाट में, सनसेट तो मिस हो गया, ज़्यादा कुछ देख नहीं पाया, लेकिन आपको व्यू दिखाता हूँ सिटी पैलेस का और लेक पैलेस का। ये व्यू दिख रहा है ऊपर से, आ गए हैं हम अभी एट दिस ब्यूटीफुल फोर्ट कॉल्ड सज्जनगढ़। भाई साहब को जाने दे, शोर बहुत मचा रहे हैं, जाइए।